हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टूडेज वीडियो बिटकॉइन कीप्स पंपिंग बिटकॉइन ने 23,000 डॉलर्स का एरिया क्रॉस किया था कल फिर एक पुल बैक लिया फिर दोबारा से क्रॉस किया एंड दोबारा से पुल बैक ले लिया तो बहुत ही एक्साइटिंग मूवमेंट्स हो रही है बिटकॉइन पे इसके अराउंड हम ट्रेड्स भी ले रहे हैं तो आज क्या एक्सपेक्टेड है आज वीकली क्लोजिंग हम ऑब्जर्व करेंगे बिटकॉइन पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एक दो वीक्स में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करने के लिए तो लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड देखते हैं मार्केट में आज क्या चल रहा है सो so आज संडे है तो स्टॉक मार्केट्स क्लोज रहेंगे लेकिन बिटकॉइन नेवर स्लीप ये मार्केट्स कभी बंद नहीं होते हैं तो आज क्या यहाँ पे हलचल हो रही है उसको देखते हैं तो कल का चार्ट अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने एक अच्छा अच्छा खासा पंप मारा था ट्वेंटी थ्री तक एंड फिर आज की ओपनिंग इसकी हुई थी ट्वेंटी पे ठीक है तो अभी इसने रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करी है डेली में ढंग से आप देख सकते हो डेली क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस पे ही हुई थी तो अभी रेजिस्टेंस को हम क्रॉस नहीं मान सकते हैं हमें करेंटली चाहिए कि हम वीकली क्लोजिंग जो है इस रजिस्टेंस के ऊपर करें ठीक है इससे हमें एक अच्छा बेस मिल जाएगा जो आने वाले दिनों में क्या रहता है बिटकॉइन का मूव उसको प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा तो सुबह साढ़े पांच बजे ये क्लोजिंग होगी तो अगर किसी को उस टाइम पे जागना है तो जाग सकता है उस टाइम पे काफी वॉलिटाइल मार्केट भी हो, हो सकता है करंटली अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस जो है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड तक गया था उसके बाद वी सौ पुल बैक इस टाइम पे हम लाइव थे जब पुल बैक चल रहा था हमने कल आपसे दो ट्रेड्स के बारे में बात किया था एक बी का ट्रेड था एक डॉट का ट्रेड था एंड दोनों के दोनों ट्रेड्स हमने आपसे शेयर किए थे तो इन दोनों ट्रेड्स में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ बाद में पुल बैक आ गया था तो काफी सारे लोग निराश थे लेकिन

मेरी जनता जानती है दिस इज अवर साफ पैटर्न एंड इट्स वर्किंग आउट नाइसली अगर हम यहाँ पे वीकली क्लोजिंग कर देते हैं तो वेरी गुड चांस कि हम जो है थोड़ा समय यहाँ पे इस तरीके से बिताएंगे मंडे को आई एम एक्सपेक्टिंग पुल बैक प्राइस कहीं पे भी हो उसका रीजन है कि हमने एस पी एक्स में जो है काफी अच्छा पंप देखा था लास्ट फ्राइडे की एंड में बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन में एक अच्छा खासा पंप आ गया था तो हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक हमें यहाँ देखने को मिले लेकिन ये भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर टिक जाएगा तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर दी मार्केट अगर हम देखें नैसडैक को जो कि काफ़ी क्लोजली रिलेट करता है क्रिप्टो से तो नैसडैक हैज़ ऑल्सो पम्प अलॉट अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो लास्ट के दो वीक्स में इसने अच्छा खासा पम्प लिया है जो कि काफ़ी सिमिलर लगेगा आपको यहां पे भी दो हरी भरी कैंडल्स हमें देखने को मिली थी वहाँ से भी सब कुछ सही लग रहा है तो आई थिंक द पम्प शुड रिमेन स्टेबल अगर हमारी वीकली क्लोजिंग हमें ढंग से मिल जाती है इसके बाद बात करते हैं डोमिनेंस की जो फाइनली रेजिस्टेंस पे आ गई है ना आप देख रहे हैं यहाँ पुल बैक देखने को मिल रहा है इसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात करी थी जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस हमने क्लियरली डिस्कस करी थी एंड इस रेजिस्टेंस से अब पुल बैक आ रहा है अब यहां पे पुल बैक आना स्टार्ट करेगा तो ऑल्ट कॉइंस विल स्टार्ट गोइंग अप अगर BTC स्टेबल रहता है BTC एक रेजिस्टेंस के ऊपर है तो इट शुड स्टे स्टेबल डोमिनेंस विल डोमिन पुल बैक एंड ऑल्ट क्वेंस विल स्टार्ट मूविंग अप तो यही हमारा प्लान है मैं तो अपने लॉन्ग्स जो है होल्ड कर रहा हूँ बी बी पे मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा बहुत जल्द क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें BNB पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी सिंस उसने इतना डंप नहीं लिया है तो आई विल बी बी लुकिंग फॉर अदर लाइक कैन अनदर पिक जो है मैं फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस एंड आप अपने हिसाब से ले सो ओवरऑल समरी ये है वीडियो की कि बिटकॉइन की वीकली क्लोजिंग हमें देखनी है एंड इफ वीकली क्लोजिंग हमारे लिए अच्छी रहती है रेजिस्टेंस के ऊपर रहती है तो हमें डोमिनेंस में एक पुल बैक देखने को मिलना चाहिए जिसके कारण ऑल्ट कोइंस शुड पम्प तो ये मेरा इस टाइम पे एनालिसिस रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं ऑल्ट कोइंस पे अपना पोजिशन बिल्ड कर रहा हूँ लॉन्ग्स के अलग अलग ऑल्ट कोइंस में एंड उन सबको मैं हेज करूँगा एक इथीरियम शॉर्ट से जिस तरीके से मैं दोनों साइड पर खेल सकता हूँ एंड हेज ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती है तो ट इज योर की हम वीकली करेंगे और वी विल टेक अ बिग पुल बैक इज इट फॉर टूडेज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू आर लुकिंग टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस यू कैन चेकआउट कोर्स थैंक यू बाय बाय